From electrical. मैं लवप्रीत फाजिल का सहाय हूँ. मैं प्रनीत बरार. मेरा नाम जतिन सिंगला है. मैं भैरवि शौरण. नीतीश. मेरा नाम राज वैभव सिद्धांत है. भैया सरनेम कहाँ पे है? ऋषि गुप्ता. मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ. जब मैं आया था तो बहुत हमारे प्रोटेक्शन वगैरह दी जा रही थी. ऐसा लग रहा था कि बहुत रैगिंग होती है, पर लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. गार्ड गार्ड साथ में आता था हमारे कि कोई चुराना लेके जाए इनको. मैंने NIT कुरुक्षेत्र के बारे में 11th क्लास से मतलब पढ़ना शुरू किया था कोरा में. मैंने यहाँ पर सुना था मैच 3 में हूँ, तो फिर एक कहानी है वहाँ की भूतों वाली कि 229 में एक पता नहीं भूत का कुछ वो हुआ था केस. बेसिकली आने से पहले ऐसा लगा था, रैगिंग से काफ़ी डर था, पर यहाँ पे आके पता चला इतने अच्छे सीनियर्स हैं, बहुत केयर भी करते हैं, गलत काम करो तो डांटते भी हैं. सेकेंड ईयर में 82 में से सिर्फ 20 बच्चे पास हुए मैकेनिकल में. सो एंड कल्चरल फेस्ट यहाँ पे टेक्निकल फेस्ट से ज्यादा अच्छी जाती है. यहाँ से यहाँ की मड लगी सब ज्यादा, बरसात में गीली होकर मड बन जाती है, वही लगी सबसे. कि एक दिन हम जुबली हॉल में बैठे थे, हम वॉइस की साइड बैठे थे, तो हमको वहाँ से गार्ड ने भगा दिया, बोले गर्ल्स साइड जाके बैठो. ऐसा तो स्कूल में भी नहीं होता था सर. यहाँ पूरे नाइट में कुत्तों का गैंग बैंग बहुत चलता है. अजीब तो वही दिखा है PMC प्रेम मिलन चौक जो 8:30 बजे होता है वहाँ पे. हॉरर स्टोरी सुनी थी मैंने यहाँ कि मतलब एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, उसका भूत घूमता. आते ही पहले दिन पढ़ने बैठ गया, मतलब आग लगा देनी है, पूरी सेमेस्टर में टॉप करना है पूरा. अगले दिन रिलेशनशिप में आ गया. अब भाई सब 4-4 बजे तक बातें चलती है उसकी. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर. कुछ ना कही बस, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, दारू ना पिए, बेशक ताश खेल लिए. पेरेंट्स से तो बोलता था बेटा पढ़ना है, नाम रोशन करना है, 1 करोड़ का पैकेज और 10 पॉइंटर. उनको तो बस सुबह 6 बजे उठो, रात 11 बजे सो जाओ. कुड़ियां नहीं छेड़नी है, यही पढ़ने के लिए बोल. यही पढ़ने के लिए बोल. और लड़कियों को अपनी बहन समझना सारी. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, हमारा पहला होता है कि हमारी कोई भी बैक ना है, अगर वो बच जाते हैं उससे तो हमारी कोई प्लेसमेंट लग जाए. नंबर सर 20 लाख 30 लाख इसके आसपास, क्योंकि मैकेनिकल है. अड़ा के देखा भाई, कोई 5 साल में कर रहा है, कोई 6 में कर रहा है, तो हम तो यूँ सोचा 4 में हो जाए बहुत बड़ी बात है. सच्चाई ही बात करें तो कम से कम 35 तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मैकेनिकल वाले से तो पूछना ही नहीं चाहिए, हम पास होने वही बहुत बड़ी बात है. अभी तो CS वालों की तो 50 लाख थी ऐसे लगती है, हमने सुना है. ये सब सही है, उसमें सी लैंग्वेज ही है बस. सर पहली बात तो करेंगे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इग्निशन मोड होना है. ब्राउजिंग में कुछ मिलेगा तब की बात है. मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का. पाओगे हाउ टू प्ले सीप. मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन मिलेगी, क्योंकि मुझे जो भी करना होता है वो मैं रूममेट के PC या लैपटॉप में करता हूँ. सर्च बाद में करता हूँ, हिस्ट्री पहले क्लियर कर देता हूँ. अरे कहना क्या चाहते हो? छुपा रहना चाहिए. देखी जाएगी साइड को लेंगे अपना. इमोशनल अत्याचार चालू हो जाएगा. होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा यही कह देंगे, आप कह देंगे भाई कंट्रोल कर, क्या कर रहा है तू. हाँ तब तो कहीं का नहीं रहूंगा मैं, चलने लायक उठने लायक कुछ नहीं, खत्म कर देंगे. मजा आ जाएगा फिर तो, मजा आ जाएगा फिर. बस बस बस, सकती सकती. जितने अच्छे से अभी हम जी पा रहे हैं लाइफ, उतने अच्छे से जी नहीं पाएंगे. जैसे अभी शॉर्ट्स में कहीं पे भी चले जाते हैं, सोच ही सकते हैं ना. हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्वाड होने से, सख्त लंडे होने चाहिए. लड़कियों के हॉस्टल में कुछ नहीं होता, लड़कों लड़के बहुत हरकतें करते हैं अपने हॉस्टल में, मजा आएगा. चिल है मतलब, एटलीस्ट मेस तो कॉमन होनी चाहिए. मेस में क्या है, ज्यादा बेटर होगा सर, सबसे सही रहेगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा फिर तो. पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है भाई. तू को ऐड छोड़, टाइमिंग चेंज करवा दे 8:30 वाली, 11:30 थी करवा ले, को ऐड तो बहुत बड़ी बात है. आग सी लगी थी मेरे दिल में, मुझे लगा तू बुझाने आई है, पर मुझे क्या पता था तेरा, तू पानी से ज़्यादा डीजल लाई है. दोनों मिलके चलते हैं ना, सपनों में ही रहते हैं ना. आई थिंक गुड पिकअप लाइन शुड बी, डू यू नो वेयर इज द नियरेस्ट बेकरी,
because I want a cutie pie like you. If you were coffee grounds, you would be espresso because you're so fine. समझ रहे हैं आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा. I will walk with you forever. जल्दी है, ऐसे थप्पड़ ही पड़ेंगे भाई. मैं तो कहूँगा टन 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 टारा चलती है क्या नोसे वारा. जल्दी है, ऐसे थप्पड़ ही पड़ेंगे भाई. You are hotter than the bottom of my laptop. किसी क्लब अच्छे से क्लब का सेक्रेटरी बनाऊंगा. कोई सेटिंग हो जाए और की देखा दे. सीप खेलने आ जाइए यार, ले चार साल में इतनी है. कमा रहे होंगे, पेरेंट्स से मांग नहीं रहे होंगे. क्या प्रश्न दोबारा रिपीट करिए. और ये रहा आपका प्रश्न. चार साल के बाद 8 packs और 3.5 crore का पैकेज. फुल ऑफ नॉलेज हो जाऊंगा. चार साल बाद मतलब एक जेंटलमैन टाइप बीएड आ जाएगी पहला सपना मेरा. कॉलेज की लड़की पटाएंगे और उसी के साथ शादी. पेपरों के टाइम पे आऊंगा और सबसे पहले पेपर लीक कराऊंगा. तो गर्ल्स हॉस्टल में जाऊंगा सबसे पहले. मेस में जो एक्स्ट्रा खाना होता है जिसके पैसे अलग से लगते हैं उनको ज़्यादा खाऊंगा. रात को बाहर निकल जाऊंगा और मार्केट में जाके कुछ भी उठा लूंगा और स्विमिंग पूल में जाऊंगा. इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना. अब तक जितने भी लेक्चर्स छोड़े हैं या नहीं जा पाया हूँ, बंक मारी है, उनमें जाके अपनी प्रेजेंट लगाऊंगा. गर्ल्स हॉस्टल जिंदाबाद, वर्ल्ड टूर मार के आएंगे. 8:30 के बाद निकलेंगे कॉलेज से. सबसे पहले तो लड़कों के हॉस्टल में घुसेंगे एक बार. पहले तो बच्चों को परेशान करना अपने हॉस्टल के सर. उनके दवा के मतलब खींचनी है, उनके दवा के मतलब खींचनी है. सर अभी तक की पढ़ाई को देख कर तो ये पता चल रहा है कि आंखें खुली रहती है, दिखता कुछ नहीं है और सुनाई तो कान तो खुले रहते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आता. और टीचर लोग बोलते तो है लेकिन कुछ सुन नहीं पाते. तो करिश्मेटिक, एडवेंचरस और थ्रिलिंग. मैम दिया क्यों आया. क्रेजी, एंजॉयबल, अटेंडेंस. स्टिल डिस्कवरिंग इट. जिंदगी झंड है. डायलॉग हमेशा याद रखना, अपना हाथ जगन्नाथ. मैंने इंजीनियरिंग ली, अब इंजीनियरिंग मेरी ले रही है.